वेलकम टू IFS। आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो आई बिलीव सारी चीज बेहतरीन तरीके से चल रहा है, प्रिपरेशन और बेहतरीन तरीके से आप प्लान कर पा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एक आपको प्रोजेक्टेड डेट जो है HRDGCSIR ने कह दिया है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड डेट को मान के आप अभी प्रॉपरली प्रिपरेशन ले पाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे दोस्त, हमेशा आपको एक सवाल रहता है कि सर CSIR ने जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। तो देखिए, मैग जो थंबनेल में लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं यही से। जी हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा सवाल जिन चैप्टर से पूछा गया है कुछ प्रीवियस ईयर्स में, मतलब लास्ट 2-3 सालों में जो सवाल आप देखोगे उसका अगर एनालिसिस करोगे आप प्रॉपरली, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि हर बार इन सारे चैप्टर से ही सवाल पूछा जाते हैं। इस बार का यानी 2022 का सवाल निकल के भी सितंबर और फरवरी अगर आप बैठोगे तो आपको देखिएगा यही सारे चैप्टर्स आएगा, चाहे टॉपिक जो भी हो, ध्यान दीजिएगा सारे टॉपिक में, मतलब लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, आर्ट साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, सारे सेट के बारे में मैं कह रहा हूँ, यही सारे टॉपिक है, इसी से सवाल सारे सेट में पूछा गया है। मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वो टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड, आपको पता है CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चंस आप कर सकते हो और जिसमें 30 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या क्या है जी। चलिए देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। देखिए, नंबर सिस्टम में आपको तो पहले ही ये चीज पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये क्यों पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है ना, कभी कभार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन आ जाता है, नंबर से मतलब इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर का सम ये हो रहा है, स्क्वायर का सम ये हो रहा है, तो आपको पहचान रहना चाहिए आपके अंदर कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये नाम पता होना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँ मेरे दोस्त, क्वेश्चंस जो आते हैं अब बहुत इजी आते हैं नंबर सिस्टम में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूँ। एक है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के बारे में आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट के साथ कैसे काम करना होता है। दूसरा है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, जिसके ऊपर सवाल आए। ठीक है, तीसरा अगर मैं कहूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इफ आई विल टेल यू दैट मस्ट बी कि आपका जो स्क्वायर नंबर होता है ना, द नेचर ऑफ स्क्वायर नंबर, आपको नंबर देकर कहेगा क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है, नेचर ऑफ स्क्वायर नंबर। प्राइम नंबर के बारे में बेसिक आइडिया आपके अंदर होना चाहिए, HCF और LCM इन दोनों के बारे में आपको आइडिया, मुझे लगता है इतना काफी। अब पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम में बहुत सारे हैं, अगर आप 2010-12 से सवाल लेकर बैठोगे बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमेशा PYQ शुरू करोगे 2022 से, लास्ट 5-6 सालों में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा जो टॉपिक्स में बता रहा हूँ, इतना पढ़ना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं मेरे दोस्त, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है, हर साल आते हैं। DI में चार टाइप का सवाल आते हैं, एक है बार डायग्राम, बार के माध्यम से या हिस्टोग्राम के माध्यम से सवाल आते हैं, दूसरा है पाई चार्ट यानी सर्किल के अंदर सेग्रीगेट करके जोन है। तो ये पूछने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक बार डायग्राम या हिस्टोग्राम बार के माध्यम से, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा है टेबल, टेबल में डेटा रहता है जो सेट में ज्यादा पूछता है, नॉट नेट में बट कभी कभार आते हैं, और फाइनली ग्राफ वाला सवाल जो नेट को बहुत पसंद है, ग्राफ के अंदर डेटा गिवन होता है जिसके माध्यम से आपको सवाल करना होता है। ये चार तरीका पूछने के हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड का नॉलेज मेरे दोस्त जो है वो है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये तीनों चीज का शॉर्टकट आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आप हमारे चैनल IFS एप्टीट्यूड में अभी के अभी देख लीजिए, वहां पे उस लेक्चर में जाके देखिए कि आपको DI में या पर्टिकुलरली क्या ट्रिक्स बताया मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ गया मुझे लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में ये चारों तरीका है पूछने का, और बैकग्राउंड वाला मैथ का नॉलेज, ये तीनों है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल नॉलेज, ग्राफिकल सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है CSIR में। PYQ देखिए बहुत कॉमन सेंस बेस्ड है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगा। आगे बढ़िए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CSIR जनरल एप्टीट्यूड। हर साल ऐसा भी होता है एक ही पेपर में 3 सवाल आए मेरे दोस्त, एक तो ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, एक पोल को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, दूसरा है बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो आपको बेसिक प्रॉब्लम पता है, इसके अलावा भी एक सर्कुलर फील्ड है मानिए, उसमें 2 लोग दौड़ रहे हैं,
डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से दौड़ रहे हैं या एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल करना है जो बार बार पूछा गया है। आपको बेसिक ट्रेन और बोर्ड का प्रॉब्लम पढ़ के सीट नहीं चलेगा। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ने से पहले PYQ ओपन करिए, एक भी बग जाया मत करिए कोई भी बुक में थियोरी पढ़ के, कोई भी बुक में थियोरी पढ़ के एक भी बग जाया मत करिए। आप लेक्चर सीरीज देख सकते हो हमारे कोई भी टीचर्स के, बट उस लेक्चर सीरीज में आपको आइडिया मिल जाएगा सवाल कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीड डिस्टेंस टाइम, इस बार भी आएगा, एक सवाल तो आएगा ही 100%, दो तीन सवाल भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेट। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है आपको, एंगल्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बेस्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा CSIR में पूछा गया है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद आपको ऑब्वियसली बाकी ट्राइंगल, आइसोस्कलिस क्या है, इक्विलैटरल क्या है, आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पता चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटी पता होना चाहिए। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे कि ट्राइंगल के बाद क्या पढ़ना है, सर्किल। सर्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किल में क्या पढ़ना है, सेंटर थ्योरम। पता नहीं है तो हम ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, अब देखो इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको फ्री में ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो, बस वीडियो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना जी, तो आप देखो ज्योमेट्री में मैंने क्या कहा, सर्किल। सर्किल में सेंटर थ्योरम, सेंटर थ्योरम आपको पढ़ना है। और कॉर्ड एंगल में जो रिलेशनशिप होता है, इक्वल कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करता है, इक्वल कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेंटर थ्योरम यानी कोई भी आर्क सेंटर में जो एंगल करेगा उसका सर्कमफेरेंस के ऊपर जाके उसका हाफ एंगल करेगा। ठीक है ना, बहुत फनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ही चीज पर हो और कुछ नहीं लगेगा, इतना मैं डेफिनेट बता रहा हूँ। मेंसुरेशन में क्या बनना है, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल नॉर्मली जो एरिया होता है, और सर्किल ऑब्वियसली सर्किल भी फिगर्स में स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्किल इसका जो एरिया होता है वो पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस होता है वो पता होना चाहिए, आपको पेरीमीटर जिसको कहते हो आप रेक्टेंगल के हिसाब पे पेरीमीटर पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ही सवाल आते हैं, इसी को नाम है, इसी का नाम मेंसुरेशन है। सर्कल का एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आया है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो उसके बाद जो चीज आपको करना है वो है 3D फिगर में क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, स्फीयर के बारे में पता होना चाहिए, वॉल्यूम सरफेस एरिया बेस्ड प्रॉब्लम बार बार पूछा गया है, CSIR नेट और गेट, और सिलेंडर और कोन। बस सिलेंडर का क्या होता है, अगर 2πr×h सर्कमफेरेंस मतलब जो भी है सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऊपर नीचे का लीड पकड़ के, या फिर मानिए कि आपका वॉल्यूम क्या होता है, राइट। 3D फिगर में वॉल्यूम आ जाएगा, स्फीयर क्यूब कोन, देन आप थिंक अबाउट दिस सिलेंडर एवरीथिंग। तो दिस इज मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है, राइट। ज्योमेट्री के बाद मैंने कहा मेंसुरेशन के बारे में बात हो रहा था। उसके बाद अगर मैं कहूँ मेरे दोस्तों मेंसुरेशन के बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज में क्या क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नॉर्मल परसेंटेज के बारे में आइडिया रखना है, और फाइनली जाके लोन एंड इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है परसेंटेज का बेसिक आइडिया आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। This particular chapter is also going to help you in gate exam. So gate से पहले ही ये prepare कर लीजिए। क्या क्या कहा, profit and loss, profit and loss के बाद compound interest, simple interest and obviously normal percentage based कुछ problems, ठीक है। उसके बाद देखिए clock and calendar, very easy है, YouTube के ऊपर available है, मैं पढ़ा के रखा हूँ। clock में क्या पूछता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में clock hand के बीच में एंगल क्या है, एकदम बेसिक सवाल आते हैं, फॉर्मूला है हाफ इंटू 60 h - 11, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। दूसरा आ जाते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल, मान लीजिए 90 डिग्री एंगल कितने बार होगा अपकमिंग 12 बार्स में, एक आता है एक टाइम में जब मान लीजिए 3 बज चुके हैं तो कितना एंगल होगा आपको पता है 90 डिग्री। दूसरा आता है 90 डिग्री एंगल कितने बार होगा 12 घंटे। तो दो टाइप का सवाल, एक कब होता है ये एंगल, कब है, कितना है अभी के लिए, और ये एंगल कितने बार होता है। कैलेंडर में बस आपको बेसिक समझना है, ऑड डेज का कंसेप्ट समझना है, कैलेंडर में देखना है कोई भी डेट कैसे निकाल सकते हो, मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और डेज के बारे में क्लियर आइडिया जिसके पास है आप निकाल पाओगे कि मानिए आज से 72 डेज के बाद क्या दिन होगा, आज अगर मंडे है या कुछ भी दिन है 71 डेज के बाद क्या दिन होगा, या फिर वो मेन मुद्दे की बात है कि आपको समझना चाहिए दोनों गैप के अंदर ऑड डेज का गैप क्या होता है। बस कैलेंडर का बेसिक पढ़ लीजिए और कुछ नहीं लगेगा, वो भी यूट्यूब में अवेलेबल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखिए लॉजिकल डिडक्शन, माई फेवरेट। लॉजिकल डिडक्शन में वो सवाल आते हैं
देखो यहाँ पे बताया गया है इसने इसको मर्डर किया, इसको इतना झूठ कहा। इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ट्रूथ या झूठ, ठीक है, मतलब ट्रूथ एंड फॉल्स, इसके ऊपर बेस सवाल आते हैं, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, आपको डिटेक्टिव बनकर ढूंढना पड़ेगा। और ये सवाल बार बार आ रहा है, आपको क्या करना है, बस पीवाईक्यू करिए और कुछ नहीं। 2022 से शुरू करिएगा, ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन। तो लॉजिकल डिडक्शन के बाद एवरेज एंड स्टैटिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट है मीन या एवरेज का सवाल बार बार आता है। क्लासरूम में इतने स्टूडेंट है, टीचर है, टीचर को पकड़ के उम्र का एवरेज ये होता है, टीचर को छोड़कर एवरेज क्या होगा, बेहद अच्छा शॉर्टकट मैं बता के रखा हूँ, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा। शॉर्टकट के अलावा ब्रॉडकट में करने जाओगे या बुक का फॉर्मूला से करने जाओगे, दे आर वेरी बोरिंग, बिलीव मी दे आर वेरी बोरिंग। इफ यू वांट समथिंग इनोवेटिव फॉलो द लेक्चर, यू विल गेट इट राइट। मेरे लेक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड दीज आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडियाज रहना चाहिए। CSI NET aptitude is not about they are not testing your formula, कि आपको formula याद है कि नहीं, दे आपको देखेंगे कि आपका analytical power कितना है। तो ऐसा आ जाते हैं एक जगह पे forest है, एक में 100 trees है, एक में 200 trees है, दोनों का mean क्या करीब हो सकता है, दोनों का variance का करीब होगा या दूर का होगा, standard deviation के बारे में क्या कह सकते हो। तो ऐसे analytical सवाल आते हैं, तो आपको हर एक का मीनिंग समझना है कि मीन आखिर में है क्या, मोड आखिर में है क्या, मीडियन आखिर में है क्या, ठीक है, आपको मीनिंग समझना है, वेरिएंस आखिर में है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर में है क्या, राइट। सो दिस इज द थिंग मेरे दोस्त। इसके अलावा बेसिक साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोजिशन में क्या पोजिशन पोजिशनिंग क्या होता है, आईपी जनरल एप्टीट्यूड के बुक के अंदर बेसिक साइंस चैप्टर में ये सारी चीज है, नहीं तो गूगल से भी पढ़ाई कर सकते हो। मुद्दे की बात आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, पता करने के लिए PYQ करिए और कुछ नहीं लगेगा, PYQ देखकर आपको पता लग जाएगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो याद रखिएगा, बेसिक साइंस में कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़िए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मैं बार बार कहता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, मुझे स्टूडेंट कहते रहते हैं, मैं कहता हूँ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो अगर आपके पास वक्त होगा ना तो वो 5 से 7 क्वेश्चन कॉमन सेंस लगाकर, पाजल बेस्ड, ट्रिक बेस्ड, जो बस आप देख कर आप मेजर करके करोगे, काउंटिंग बेस्ड, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड सवाल आते हैं। अगर टाइम बचा पाते हो और आपका आंख ओपन नहीं है, आपका लॉजिकल सेंस अच्छा है, आराम से ये 5 से 7 क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता रहता है, सर इसको कौन सी बुक में पढूं, इसके लिए बुक आप खुद हो राइट, इसके लिए बाहर पे कोई बुक नहीं खुलेगा, खुद का सेंस डेवलप करिए। थैंक यू सो मच, आई बिलीव योर आइडिया इज प्रीटी क्लियर, दीज आर माई 11 चैप्टर्स फॉर योर CSI NET जो मई जून में होने वाले हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, I believe this was helpful for you. Thank you so much from my side and have a great time. All the best for your upcoming examination. Thank you everybody. Goodbye.